बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जन सुराज पदयात्रा के 98 दिन आज प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मीडिया के साथ अपने पदयात्रा के अब तक के अनुभव को साझा किया और कई सवालों का भी जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू हुए पदयात्रा के माध्यम से अब तक वे लगभग 60 दिनों की यात्रा कर चुके हैं और पश्चिम चंपारण से चलकर पूर्वी चंपारण जिले पहुँचे हैं। पदयात्रा का उद्देश्य है कि बिहार के सभी पंचायतों के विकास का 10 साल का ब्लूप्रिंट तैयार करना, जिसमें पंचायत आधारित समस्याओं और उसके समाधान का पूरा विवरण होगा। प्रयास है कि समाज को मत कर सभी सही लोगों को चिन्हित कर एक मंच पर लाया जाए और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बेहतर विकल्प बनाया जाए। प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली का जिक्र करते हुए बताया, पदयात्रा के दौरान अब तक उन्हें जिन गांवों और पंचायतों में जाने का मौका मिला है, वहां पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। गांवों में 60% तक नवयुवक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचना, शिक्षक भवन और विद्यार्थी, इन तीनों का समायोजन कहीं देखने को नहीं मिला। एक लाइन में कहा जाए तो स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेजों में डिग्री बंट रही है। नीतीश कुमार के शासनकाल की सबसे बड़ी नाकामी है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में भूमिहीनों की समस्या का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गरीबी और बेरोजगारी का समस्या बड़ा कारण है। बड़ी संख्या में भूमिहीनों का होना, आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 58% लोग भूमिहीन हैं। इसके लिए उन्हें रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, जबकि देश में भूमिहीनों की संख्या 38% है। पश्चिम चंपारण में करीब 125,000 ऐसे लोग मिले जिन्हें पट्टे पर जमीन तो मिली, लेकिन आज तक उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। ऐसे लोग बड़ी संख्या में पूर्वी चंपारण में भी मिले। किसानों की हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अपना अनाज समर्थन मूल्य ने कम दामों पर बेचना पड़ता है। इसके कारण किसानों का हर साल 25 से 30 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर यहाँ मंडी की व्यवस्था दे दी जाए और किसानों को उनका समर्थन मूल्य मिलने लगे तो इनकी बड़ी राशि का फायदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सिंचाई की जमीन या नेट एरीगेटेड एरिया 5% तक घट चुकी है। बिहार में उद्योगों का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने वाली कंपनी मेदांता, जिसके मालिक बिहार के हैं, वो अपनी फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। इस बात की चर्चा तक बिहार में नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। हम आप ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हैं जिसके कारण हम 3-4 दशक पूर्व की दुर्दशा में जी रहे हैं। तो आइए सीधे ले चलते हैं प्रशांत किशोर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने और क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार। वो संख्या करीब करीब 58% है और ये सीधे तौर पर दिखाता है कि यहाँ पर भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ। बड़े संख्या में लोग जिनके पास जमीन मिलना चाहिए था उनको जमीन नहीं मिली, और ये वो जमीन है जहां भूदान आंदोलन शुरू हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस राज्य से भूदान आंदोलन शुरू हुआ वहां पर आज देश में सबसे बड़ी संख्या भूमिहीनों की है। मैं पश्चिम चंपारण का आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 125,000 परिवार ऐसे हैं जिनको पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया गया और आज तक उनको उस जमीन का अधिकार नहीं दिया गया, उनको जमीन पर कब्जा आज तक नहीं मिला है। मैं पूर्वी चंपारण का आंकड़ा भी जब ये जिला पूरा करूंगा तो आपके साथ साझा करूंगा। तीसरी बात जो उद्योग धंधे की है, पूंजी की है, मैं ये आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। बिहार में हम लोग कहते हैं उद्योग धंधा लगेगा, कैसे लगेगा। जब हम लोग उद्योग धंधों की बात करते हैं तो ज्यादातर बड़े फैक्ट्रियों के बारे में सुनते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीडी रेशियो जो है,
मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो, जो बैंकों में हम और आप बिहार की जनता जो पैसा जमा करती है, तो बैंकों की जिम्मेवारी है कि उस पैसे को ऋण के तौर पर लोगों को दे, ताकि बिजनेस करने वाले, उद्योग धंधे करने वाले लोगों को पूंजी मिल सके। देश में ये आंकड़ा है 70%, मतलब बैंकों में 100 रुपए जमा होता है तो 70 रुपया ऋण के तौर पर लोगों के पास वापस आता है। जो देश में अग्रणी राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहां पर ये जो प्रतिशत है वो 90 से ऊपर है। मतलब अगर 100 रुपए जमा हो रहा है तो 90 रुपए ऋण के तौर पर वहां के लोगों को मिल रहा है। बिहार में ये आंकड़ा है 40%, सीडी रेशियो बिहार का है 40%। अब इसका मायने मैं आपको समझाता हूं। लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा। बिहार की गरीब जनता 4 लाख करोड़, पिछले साल 4,12,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों ने बैंकों में जमा किया, और अगर राष्ट्रीय स्तर भी आप उठा लें 70%, तो मतलब 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर उनके रोजी रोजगार करने के लिए मिलना चाहिए था। चाहे आप दुकान चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, छोटा बड़ा जो भी काम करते हैं, 2,80,000 रुपए ऋण के तौर पर एक साल में मिलना चाहिए था। मिला कितना है? 40%, मतलब 1,65,000 करोड़ के आसपास। तो आप समझिए 1,20,000 करोड़ रुपया जो, और ये बजट का पैसा नहीं है, ये हम लोग का पैसा है जो मिलना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि यहाँ उद्योग धंधा नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो सीडी रेशियो था 25%। वो लालू जी के राज की कृपा थी कि मतलब बैंक में 100 रुपए जमा हो रहा है तो 25 रुपए ही लोगों को ऋण के तौर पर मिल रहा है। और दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र में, तेलंगाना में, ये रेशियो है 90, 95, 100। मतलब अगर 4 लाख करोड़ जमा हो रहा है तो 4 लाख करोड़ लोगों को ऋण पे मिल रहा है। तो आप और आपके हमारे बच्चे समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई टैक्सी चलाना चाहता है, कोई एक वेंडर बनना चाहता है, कुछ उद्योग धंधा, छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं, अगर आप सीडी रेशियो बिहार में देखिए, देश के ज्यादातर जो समृद्ध राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, उन राज्यों ने जनसंख्या पर अपना नियंत्रण कर लिया, मतलब TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, 2.1 से नीचे अगर हो जाए तो जनसंख्या पर आपका नियंत्रण हो गया। मतलब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, समय कालखंड से धीरे धीरे या तो स्टेबल हो जाएगी या नीचे चली जाएगी। बिहार उन गिने चुनो राज्यों में है जहां TFR आज भी 3 से ऊपर है, और ये दिखाता है कि जैसे गरीबी पर, शिक्षा पर या दूसरे अन्य विकास के मानकों पर हम लोग देश में सबसे फिसड्डी है, वैसे जनसंख्या नियंत्रण पर भी हम लोग देश में सबसे फिसड्डी है। TFR देश में सबसे ज्यादा, आज जिन राज्यों में TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जहां सबसे ज्यादा है, उसमें बिहार की बिहार सबसे नीचे, बिहार सबसे आगे है। तो जब तक आप लोगों को एजुकेट करके बेहतर परिवार नियोजन के माध्यम से लड़कियों की जो शादी की जो एज है उसको बढ़ाकर, या बच्चों के जन्म के जो में जो डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरह के प्रयोगों को करके, उस तरह के जो प्रमाणिक बातें हैं उसको आप जमीन पर लागू नहीं करेंगे, तब तक आपका जनसंख्या कंट्रोल में आएगा नहीं। और ये कोई कानून बनाकर किया नहीं जा सकता है। भारत, इसी देश में कम से कम 15 राज्यों ने ये करके दिखाया कि शिक्षा, बेहतर परिवार नियोजन, लोग सामाजिक जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, इन 4 चीजों का उपयोग करके TFR को 2.1 से नीचे किया जा सकता है, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। बिहार इन सब मानकों पर बुरी तरह फेल हुआ है। जब बच्चियां पढ़ ही नहीं रही हैं, शादी आज भी बिहार में सबसे कम एज में जिन बच्चियों की शादी हो रही है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, वो आज भी बिहार में सबसे कम एज में हो रही है। तो इन स्थिति के बने रहते, जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तब तक यहाँ पर स्थिति सुधर नहीं सकती है। बाई ट्रेनिंग मैं पब्लिक हेल्थ की ही मैंने पढ़ा। डॉक्टर गोरख प्रसाद BST हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां BST हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं BST हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट।
हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DHW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवा। संपर्क नंबर है 9931503081, वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। BMP Max Memorial मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ है। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ट रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903150। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स, जकवार के CP फिटिंग, जकवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्टर पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। सिवान का न्यू भारत बजाज लेकर आया है LPG, CNG, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किस्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाए आज ही चले न्यू भारत बाजार, श्रीनगर, मैरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992।